हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। चलो लर्न करते हैं। और मेरा नाम है अनीशा। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ ईवीएस का चैप्टर काइंड ऑफ हाउसेस, टाइप्स ऑफ हाउस, इसे ये भी कह सकते हैं टाइप्स ऑफ हाउस। ओके, तो ये मैं सिलेबस के अनुसार ही आपको बता रही हूँ। मैंने पिछले वीडियो में मैंने माई फैमिली चैप्टर के बारे में बताया था, इसका लिंक मैं आई बटन पर डाल दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। ओके, अगर आप देखना चाहेंगे तो ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को। फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले काइंड ऑफ हाउसेस से ही स्टार्ट करेंगे। ओके, तो देखिए काइंड ऑफ हाउसेस में क्या था। पहले कच्चा हाउस, हाउस मेड अप ऑफ मड, स्ट्रॉ, बैम्बू एंड लीव्स। ठीक है, तो मड से बने होते हैं, स्ट्रॉ से बने होते हैं, जो बैम्बू और पत्तों लीव से बने होते हैं वो कच्चा हाउस कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चंस भी आते हैं, व्हाट इज कच्चा हाउस, तो इसमें हम ये आंसर दे सकते हैं। फिर व्हाट इज पक्का हाउस, तो ये कच्चा हाउस हो गया, ये पक्का हाउस हो गया। तो हाउस मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, स्टील, आयरन रॉड्स, ग्लास एंड वुड। ठीक है, तो हाउस जो बने होते हैं ब्रिक्स से, ईंटों से, सीमेंट से, स्टील से और आयरन रॉड से, लोहे की छड़ों से, ग्लास से और वुड से, तो वो पक्का हाउस हो जाएंगे, पक्का हाउस कहलाएंगे। तो इसमें आप क्वेश्चन भी व्हाट इज पक्का हाउस ऐसे करके आप बच्चों को दे सकते हैं। ऐसी वर्कशीट हमें तैयार करना है बच्चों को कि बच्चे आराम से इस तरह से सीख जाएं। अब थर्ड है टेंट हाउस। तो अ टेंट हाउस इज मेड ऑफ अ थिक क्लॉथ कॉल्ड कैनवास। तो जो टेंट हाउस है वो मोटे क्लॉथ से बने होते हैं जिन्हें कैनवास कहते हैं। ठीक है, इधर टेंट हाउस हो गए। फिर ये है चौथा है हाउस बोट। फिर अ हाउस बोट इज अ हाउस ऑन अ स्मॉल रिवर और ए लेक। तो हाउस बोट वो हो गए जो कि छोटी सी रिवर में या फिर छोटी सी झील में जो कि चलाए जाते हैं, तो वो हाउस बोट हो गए। फाइव है इग्लू। इग्लू एंड इग्लू इज अ हाउस मेड फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ आइस। तो इग्लू जो होते हैं वो आइस से बने होते हैं, तो ये हो गए इग्लू काइंड ऑफ हाउस के। फिर ये सिक्स से कारावैन। तो कारावैन इज अ हाउस ऑन व्हील्स। ओके, ये इसमें व्हील्स लगे होते हैं, इट इज मूवेबल। ठीक है, ये चलते हैं। तो इस तरह से छः हो गए टाइप्स ऑफ हाउस। ओके, तो हमें क्या करना है, हम बच्चे को इस तरह से दे सकते हैं व्हाट इज इग्लू, तो इग्लू का इस तरह से लिखना होगा बच्चे को, व्हाट इज कारावैन, तो इस तरह से लिखना होगा। तो इस तरह से बना करके हम दे सकते हैं। हाँ, एक बात और बतानी थी मुझे कि हाउस में कई तरह के रूम बने होते हैं, जैसे ड्राॅइंग रूम हो गया, डाइनिंग रूम हो गया, किचन, स्टडी रूम, बेडरूम, बाथरूम, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप मैचिंग भी दे सकते हैं बच्चों को या फिर फिल इन द ब्लैंक्स भी दे सकते हैं बच्चों को, जो कि उनके आप बुक से भी टच करके दे सकते हैं। और ठीक है, जैसे टेकिंग बाथ, स्टोरिंग थिंग्स, स्लीपिंग, कुकिंग फूड, मीटिंग विजिटर्स, तो ये सब जो है इन्हें इससे मैच करना है। अब टेकिंग बाथ है तो बाथरूम हो जाएगा। फिर स्टोरिंग थिंग्स है, जहाँ की जो थिंग्स है वो स्टोर किए जाते हैं, तो स्टोर रूम हो जाएगा। फिर स्लीपिंग है, कहाँ सोते हैं भाई, तो बेडरूम में, तो बेडरूम हो जाएगा। कुकिंग फूड है, तो कुकिंग फूड कहाँ कुक होता है, तो किचन में। इस तरह से हम बच्चों को देंगे। मीटिंग विजिटर्स, तो फिर ड्राइंग रूम। तो इस तरह से हम बच्चों को देंगे मैच करने के लिए। उसके बाद फिर हाँ, एक चीज़ और बतानी थी मुझे, यहाँ एक क्वेश्चन रह गया था, वाई डू वी नीड अ हाउस। ओके, हमें हाउस की ज़रूरत क्यों होती है। तो वी नीड अ हाउस बिकॉज हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम कोल्ड, हीट, रेन, विंड, वाइल्ड एनिमल्स एंड थीव्स। ठीक है, तो हमें क्या घर की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि जो हाउस हमें प्रोटेक्ट करता है ठंड से, गर्मी से, रेन से, विंड से, वाइल्ड एनिमल्स से, जंगली जानवरों से और चोरों से, तो इसलिए हमें हाउस की ज़रूरत होती है। तो ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, व्हाई डू वी नीड अ हाउस। फिर ये तो मैच हो गया। अब इसका क्या करना है, नेम द फॉलोइंग। जैसे वी कुक मील्स हियर, तो इसका क्या हो जाएगा, किचन हो जाएगा, खाना तो हम यहीं बनाते हैं तो किचन। फिर अ हाउस ऑन व्हील्स, तो कारावैन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया।
इफ पीपल स्टडी इन दिस रूम, तो स्टडी रूम हो जाएगा। ये हो गया। तो इस तरह से नेम भी पूछे जाते हैं, इस तरह से क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, या फिर इसे वन वर्ड क्वेश्चंस भी कहते हैं। फिर है वी ओपन इट फॉर फ्रेश एयर एंड लाइट, तो यहाँ हो जाएगा विंडो। फिर है वी वॉक इन एंड आउट ऑफ द हाउस थ्रू इट, मतलब हम लोग इन करते हैं आउट होते हैं किसके थ्रू, तो डोर के थ्रू, तो डोर हो जाएगा विंडो डोर। तो इस तरह से वन वर्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अब जैसे देखिए, टाइप्स ऑफ हाउस में फील करने के लिए दिया जाता है, जैसे अर्थ डैश, तो इसमें हम क्या करें कि बच्चों को इसी तरह से वर्कशीट तैयार करके देना है। कुछ आप अपने से भी बना करके दे सकते हैं, कुछ इससे हेल्प भी ले सकते हैं। हेल्प मिलेगी तो मुझे तो बहुत खुशी होगी। तो जैसे देखिए, फील करना है, तो अर्थ डैश हाउस इज मेड ऑफ थिक क्लॉथ, तो थिक क्लॉथ से क्या बने होते हैं, कौन से हाउस, तो टेंट हाउस। टेंट हाउस इज मेड ऑफ थिक क्लॉथ, ठीक है। अब है अर्थ एन डैश इज अ हाउस मेड फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ आइस, तो इग्लू हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ आई है इसलिए यहाँ एन हो गया है, तो एन इग्लू इज अ हाउस मेड फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ आइस। इग्लू पर मैंने ड्राइंग भी बनाई हुई है, मैंने ड्राइंग सिखाया हुआ है कि इग्लू कैसे बनाएं बच्चे। मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पे भी डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। फिर थर्ड, वी ईट आवर मील्स इन द डाइनिंग रूम, DINING डाइनिंग रूम। फिर है वी फील डैश इन साइड आवर होम, तो वी फील सेफ, हम लोग भाई घर के अंदर तो सेफ ही महसूस करते हैं ना, यहाँ हो जाएगा सेफ। ओके, वी विल सेफ इन साइड आवर होम। फिर कच्चा हाउसेज आर मोस्टली फाउंड इन, तो मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं कच्चा हाउस, तो विलेजेज में, ये हो जाएगा विलेजेस हो जाएगा यहाँ पर। फिर पक्का हाउस आर मोस्टली फाउंड इन, तो यहाँ टाउन हो जाएगा, टाउन एंड सिटीज, यहाँ एस हो जाएगा। अब है क्वेश्चन, वेयर डिड अर्ली ह्यूमन बींग्स लिव, हाँ अर्ली ह्यूमन बींग्स जो है वो कहाँ रहते थे पहले, तो अर्ली ह्यूमन बींग्स लिव्ड इन केव्स, गुफाओं में रहते थे, एंड ऑन ट्री टॉप्स पे रहते थे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यही था टाइप्स ऑफ हाउस पे मैंने यही वर्कशीट बनाया था। तो आप अपने बच्चों को इस तरह से वर्कशीट तैयार करके दें, उन्हें अच्छे से सीखने में हेल्प होगी और वो स्पेलिंग वगैरह भी इससे याद कर पाएंगे, क्योंकि स्पेलिंग भी मस्ट होता है बच्चों के लिए कि सारे स्पेलिंग वो सही से ही लिखें। तो इसके लिए हमें वर्कशीट तैयार करके देने से क्या होता है कि बच्चे अच्छे से सीखते हैं। एक तो क्वेश्चन पहले से ही लिखा रहता है, क्योंकि हम लिख करके देते हैं बच्चों को केवल आंसर देना होता है, आंसर लिखना होता है, तो बच्चों को भी हेल्प हो जाती है। तो इस तरह से हमें वर्कशीट तैयार करके देना चाहिए बच्चों को कि वो आराम से कर सकें, इससे उन्हें काफ़ी हेल्प मिलेगी सीखने में। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो, और बेल बटन भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आप लोगों तक तुरंत पहुँचे, और सब्सक्राइब का बटन रेड कलर में नीचे दिया हुआ है। और आप अगर आपको आंसर देखना हो तो स्क्रीनशॉट भी लेकर के आप देख सकते हैं, चाहे पॉज करके भी आप देख सकते हैं, वो आराम से देख लीजिएगा। ओके, फिर थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।